गुना जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मान सिंह ठाकुर के निवास पर पिस्तल की सफाई के दौरान अचानक गोली छिड़ गई। ड्राइवर के पैर में जा लगी, जिसके चलते ड्राइवर को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक एडिशनल एसपी गनमैन संतोष रघुवंशी शनिवार सुबह पिस्तल की साफ सफाई कर रहे थे। इसी दौरान गनमैन ने मैगजीन पिस्तल में लगा दी, फिर पिस्तल को रखा तो अचानक से ट्रिगर दब गया, जिसके चलते गोली सामने बैठे एडिशनल एसपी के ड्राइवर महेश धाकड़ के पैर में जा लगी। घटना के बाद ड्राइवर को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वह इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डॉक्टर से बात करने के बाद कुछ निर्णय लिया जाएगा। गुना से प्रताप सिंह, प्रभाकर की रिपोर्ट। निवास पर उसका जो गनमैन था, और मैं उसकी साफ सफाई कर रहा था, उसी समय अचानक राउंड फायर हो गया और सामने जो बैठे हुए थे ड्राइवर उनके पैर के नीचे लग गया। तो कुछ साढ़े जैसे कि 11 बजे के आसपास में तो फिर ठीक है होते हैं और इनका ट्रीटमेंट आ गया। डॉक्टर साहब को देखते हैं, फिर कॉल लेंगे, डॉक्टर साहब देख लें, उनके परिजन आ रहे हैं, उसके बाद जो भी डिसीजन लेंगे उसको आ रहा है।